हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। इस वीडियो में हमें देखना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, एंड उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये एड्रेस रेफरेंस स्ट्रिंग है। एड्रेस रेफरेंस स्ट्रिंग इन द सेंस कि ये सारे हमारे पेज नंबर हैं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, एंड ये हमारे सीक्वेंस हैं कि किस सीक्वेंस ने, सीपीयू ने कब कौन से पेज नंबर को डिमांड किया है। इन द सेंस कि सबसे पहले सीपीयू ने बोला हमें पेज नंबर 3 चाहिए, फिर बोला सीपीयू ने पेज नंबर 1 चाहिए, फिर बोला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2। इस सीक्वेंस में सीपीयू ने हमें वेरियस पेजेस नंबर हमसे डिमांड किए। ठीक है, डिमांड किए तो अभी से बात है कि हमें मेन मेमोरी में उनको लाना होगा। तो मेन मेमोरी में हमारे पास कितने स्लॉट्स हैं, कितने फ्रेम हैं? 3 स्लॉट्स हैं। इट मींस हम एक बार में मेन मेमोरी में 3 ही पेज को रख सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कितने अकर होंगे, इतने नंबर ऑफ पेजेस अगर सीपीयू, इतने नंबर ऑफ पेजेस अगर सीपीयू अगर हमसे डिमांड करता है, तो इतने नंबर ऑफ पेजेस हमें एग्जीक्यूट करने के बीच में कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होंगे, कितने बार हमारे पास ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो पेज हमारा मेन मेमोरी में ना हो एंड हमें सेकेंडरी स्टोरेज से वो पेज लाना पड़े, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इतने नंबर ऑफ पेज सीपीयू का डिमांड करता है इस सीक्वेंस में, तो कितने पेज फॉल्ट होंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेन मेमोरी का डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं। ठीक है, एंड तीनों स्लॉट्स अभी स्टार्टिंग में क्या होंगे, खाली होंगे। तो सबसे पहले सीपीयू ने बोला पेज नंबर 3, तो हमने लाया पेज नंबर 3, एंड सबसे पहले हम आए मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में देखा पेज नहीं है, हम गए सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज से क्या किए, पेज को लेकर आए एंड मेन मेमोरी में रखा। तो सबसे पहले जब हम आए थे मेन मेमोरी में, जब वो पेज नहीं था, इट मीन्स वो क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। तो हम इसको एफ से लिख रहे हैं ताकि लास्ट में जब हम काउंटिंग करें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हम काउंट कर सके। तो पेज फॉल्ट हुआ, हम गए सेकेंडरी स्टोरेज में, पेज नंबर 3 लेकर आए एंड मेन मेमोरी में उसका लोकेट कर दिए। ये हो गया। फिर सीपीयू ने बोला हमें पेज नंबर 1 चाहिए, पेज नंबर 1 चाहिए। तो अभी देखो, जब सीपीयू ने बोला पेज नंबर 1 चाहिए, उस वक्त मेन मेमोरी का क्या सिचुएशन है, मेन मेमोरी में ऑलरेडी पेज नंबर 3 है एंड पेज नंबर 1 नहीं है। हम आए मेन मेमोरी में, देखा पेज नंबर 1 नहीं है, इट मींस पेज फॉल्ट हुआ। हम गए सेकेंडरी स्टोरेज में, वहां से पेज नंबर 1 लेकर आए एंड मेन मेमोरी में ये जो भी ये फ्रेम फ्री है उसको हमने एलोकेट कर दिया एंड सीपीयू हमारा फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया। देन सीपीयू ने हमसे बोला पेज नंबर 2 चाहिए। हम आए मेन मेमोरी में, उस वक्त मेन मेमोरी का क्या सिचुएशन है, हमारे पास 2 पेजेस ऑलरेडी हैं, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 1। मेन मेमोरी में आए, हमने देखा पेज नंबर 2 नहीं है, इट मीन्स हमारा पेज फॉल्ट हुआ। हम गए मेन सेकेंडरी स्टोरेज में, वहां से पेज नंबर 2 लाया एंड यहां पर एलोकेट कर दिया। ठीक है, देन हमसे सीपीयू ने बोला पेज नंबर 3 चाहिए। जब सीपीयू ने बोला पेज नंबर 3, उस वक्त हमारा मेन मेमोरी का क्या सिचुएशन है, मेन मेमोरी में क्या पेज नंबर 3 है, हमने सर्च किया, देखा हाँ पेज नंबर 3 है, इट मींस पेज नंबर 3 है, ये हिट हुआ, हम पेज फॉल्ट हमारा नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक सही है। FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम में उस पेज को पहले रिप्लेस करेंगे जो पहले आया है। ठीक है, तो आपको ये देखो सीक्वेंस में कि हमारे पास सबसे पहले पेज कौन है, पेज नंबर सबसे पहले 3 आया, फिर पेज नंबर 1 आया, फिर पेज नंबर 2 आया। अब सीपीयू ने बोला पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 बोला, पेज नंबर 4 का जैसे डिमांड आया, उस वक्त हमारे पास मेन मेमोरी का क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 3, 1 एंड 2। ठीक है, ये कंडीशन है। तो पेज नंबर 4 सीपीयू ने बोला है, हमने सर्च किया यहां पर पेज नंबर 4 कहां है, नहीं है पेज नंबर 4 नहीं है, इट मींस हमारे पास ये हुआ, ये पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट हुआ। तो हमें पेज नंबर 4 लाना है, पेज नंबर 4 लेकर जब हम आएंगे यहां पे, तो उसके लिए हमें काउंट रिप्लेस करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी फ्री फ्रेम तो है नहीं, तो हम किसको रिप्लेस करें, इसलिए तो ये एल्गोरिदम है। तो इन तीनों फ्रेम में से किसी एक फ्रेम को हमें फ्री करना होगा, तो उसमें से किस फ्रेम को फ्री करेंगे, जो फ्रेम सबसे पहले फिल्ड हुआ था, इट मींस जिस फ्रेम में सबसे पहले पेज आया था, क्योंकि इस एल्गोरिदम का क्या नाम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो जब पेज नंबर 4 आएगा,
उसके लिए हम कौन से फ्रेम को फ्री करेंगे, ये जिसमें पेज नंबर 3 है, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था, ये आया था, तो पेज नंबर 4 यहां पर एलोकेट कर दिया, 1 एंड 2। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आया पेज नंबर 2 का, हमने देखा सर्च किया यहां पे, जब 2 का जब रिक्वायरमेंट आया उस वक्त हमारे पास मेन मेमोरी का कंडीशन क्या है, ऐसा है क्योंकि पेज फॉल्ट हो चुका, तो उसका हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद ये कंडीशन है। तो जब ये इस सिचुएशन है, पेज नंबर 2 चाहिए, हमने सर्च किया, पेज नंबर 2 है, इसको हम बोलेंगे पेज नंबर, ये हुआ हमारा हिट हुआ। देन हमारा सीपीयू ने बोला पेज नंबर 3 लाई, तो उस वक्त हमारे पास जैसे सीपीयू ने बोला पेज नंबर 3, उस वक्त हमारे पास मेन मेमोरी का कंडीशन क्या है, ये पेज नंबर 3 है क्या, नहीं पेज नंबर 3 नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट। अब हमें क्या करना, पेज नंबर 3 लाना है मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी में पेज नंबर 3 लेकर आए हैं, लेकिन हमारे पास मेन मेमोरी में कोई फ्रेम फ्री नहीं है, तो हमें किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना होगा, किसको रिप्लेस करेंगे, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो आप यहां पर हो, पेज नंबर 3 सीपीयू ने डिमांड किया है, तो आप इधर से इधर ट्रैवर्स करो, तो इसमें आपको क्या है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 4, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 1। तो सबसे पहले कौन आया, पेज नंबर 1 आया, तो इट मींस पेज नंबर 1 सबसे पहले जाएगा अभी, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करते हैं, उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो पेज पहले आया था। हमने क्या किया, पेज नंबर 1 को सेकेंडरी स्टोरेज में ले गए एंड उसकी जगह पर हमने क्या किया, पेज नंबर 3 को लाकर रख दिया। अब सीपीयू ने बोला पेज नंबर 0 चाहिए, पेज नंबर 0 है क्या यहाँ पे, जब सीपीयू ने पेज नंबर 0 डिमांड किया उस वक्त हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी का कंडीशन क्या है, हमारे पास पेज नंबर 4 है, 3 एंड 2 है, पेज नंबर 0 नहीं है, तो ये क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट हुआ तो हमें क्या करना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा। रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी न किसी एक पेज को रिमूव करना होगा, एंड उसके लिए हम कौन से पेज को रिमूव करेंगे, जो पहले आया है। तो 2, 3 एंड 4 में सबसे पहले कौन आया है, आप यहां पर हो, 0 वाले पेज को आपको एलोकेट करना है, तो आप यहां से इधर जाओ, 3, 2, 4, 2, 3, तो इसमें सबसे पहले आया है 2, ठीक है, 2 आया है सबसे पहले, 2 के बाद आया अभी 3, पहले सबसे पहले आया 2, फिर आया 4, फिर आया 3, लास्ट में भी 3 आया ना, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को, तो 2 के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 0, 0 नंबर पेज आ जाएगा, 3 एंड 4 एज इट इज रहेगा। एंड अब हमें डिमांड हुआ पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 जैसे सीपीयू ने डिमांड किया उस वक्त हमारे मेन मेमोरी का कंडीशन ही है, उस वक्त हमने सर्च किया पेज नंबर 3 है, तो ये हो गया हमारा पेज हिट। देन सीपीयू ने डिमांड किया पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 जैसे डिमांड हुआ उस वक्त हमारा मेन मेमोरी का कंडीशन क्या है, इसमें पेज नंबर 3 है, 2 एंड 0, पेज नंबर 1 है क्या, पेज नंबर 1 नहीं है, इट मींस ये हमारा होगा पेज फॉल्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेज को रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस करने के लिए कौन से पेज को रिमूव करें, तो जो सबसे पहले आया है, तो 0, 3 एंड 4 इन तीनों वाले पेज में सबसे पहले इन बस इन तीनों के ग्रुप में सबसे पहले कौन आया, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 को हम रिप्लेस करेंगे, तो ये पेज नंबर 4 की जगह आ जाएगा पेज नंबर 1 एंड 3 एंड 0 एज इट इज रहेगा। पेज नंबर 1 को हमने ला दिया। अब पेज नंबर 3 जैसे डिमांड हुआ सीपीयू के द्वारा उस वक्त हमारे पास मेन मेमोरी का कंडीशन क्या था, ऐसा था, एंड हमने क्या किया, पेज नंबर 3 सर्च किया है क्या, पेज नंबर 3 है, तो ये हो गया हमारा पेज हिट, ठीक है। एंड ये पेज हमने क्या किया, मेन मेमोरी से उठाकर सीपीयू को दे दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो सबसे पहले आया। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम तभी यूज होगा जब हमारा जो मेन मेमोरी में जितने नंबर ऑफ फ्रेम है वो ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि किसी एक पेज को किसी एक फ्रेम में जो वो पेज है उसको हटाकर दूसरे पेज को जो सीपीयू ने डिमांड किया उसको लाना होगा। तो वो जो फिल्ड पेज ऑलरेडी जो फ्रेम फिल्ड है तो उनमें से किस फ्रेम को सिलेक्ट किया जाए एंड उसमें से कौन से पेज को रिमूव किया जाए, कौन से फ्रेम को फ्री किया जाए, इसको सिलेक्ट करने की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है, उसमें से एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड ये वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम क्या कहता है कि हमें उस फ्रेम को फ्री करना चाहिए जो फ्रेम सबसे पहले, जिस फ्रेम में सबसे पहले पेज एलोकेट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो ये एक पेज फॉल्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हुआ, 7। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट
इक्वल टू 7। आई थिंक आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिज्म क्या है एंड इसको कैसे इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।